जर्मनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है। यहाँ पे कुछ सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल होता है, अक्टूबर फेस्ट इन म्यूनिक। कुछ सिटीज को पार्टी कैपिटल ऑफ यूरोप भी बोला जाता है। कुछ सिटीज इतनी सस्टेनेबल है, वहाँ पे आपको मैक्सिमम सिर्फ साइकिल्स दिखेंगी। सो आई रिसेंटली स्पेंट गुड 10 डेज इन जर्मनी इन अक्टूबर 2023 एंड आई डिड दिस ट्रिप विद द जर्मन टूरिज्म बोर्ड। जर्मनी पे व्लॉग बेस्ड एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोज ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, सो डू चेक देम आउट फॉर स्पेसिफिक सिटीज। बट ओवरऑल दिस इज गोना बी अ गाइड वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एब्सोल्यूट बिगिनिंग। मैंने जो फ्लाइट ली थी वो दिल्ली से फ्रैंकफर्ट में ले ओवर था फॉर अबाउट 1 आवर एंड आई वेंट टू बर्लिन। सो दिल्ली से बर्लिन में गई थी एंड व्हाई आई चोज द सिटीज दैट आई चोज व्हिच वर नंबर 1 बर्लिन, कोलोन, फ्राइबर्ग एंड म्यूनिक। सो मैंने देखा कि मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए था ऑफ बिग सिटीज, ऑफ लोकल फील्ड्स एंड ऑफ नेचर। तो बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी। बर्लिन फील्ड हैज़ अ वेरी इंटरनेशनल फील्स टू इट। वहाँ पे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत लोग काम भी करते हैं एंड आई जस्ट फेल्ट इट वॉज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट इन माई यूरोप ट्रिप और इवन इन जर्मनी। बर्लिन इज ऑल्सो सेट टू बी द पार्टी कैपिटल, तो वहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। एंड उसके बाद आई वेंट टू कोलोन। कोलोन इज सो आई वॉन्टेड टू डू सम सिटी नियर द राइन रिवर, तो कोलोन किया। आई एम सो हैप्पी आई डिड इट। वहाँ पे कोलोन कैथीड्रल के सामने राइन रिवर फ्लो हो रही है और उसके साइड में आप स्टेयर्स पे बैठ के कोल्श बियर, जो वहाँ की फेमस बियर होती है, वो पी रहे हो। और इवन इन जनरल इफ यू आर जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग द कोलोन कैथीड्रल फ्रॉम देयर, इट्स मैजेस्टिक, सच अ गुड व्यू। सो कोलोन हैड अ वेरी लोकल फील्स टू इट। कोलोन में आके मैंने देखा कि अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है बीच में। फिर फ्राइबर्ग मैंने इंक्लूड किया क्योंकि नेचर फील्स चाहिए थे मुझे। फ्राइबर्ग इज द बर्थ प्लेस ऑफ ब्लैक फॉरेस्ट केक, बाय द वे इट हैज़ द ब्लैक फॉरेस्ट, तो मुझे ब्लैक फॉरेस्ट में हाइक करना था। एंड सस्टेनेबल है बहुत, स्टूडेंट फ्रेंडली टाउन है, तो मेरा बहुत मन था। आई डोंट नो व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इंक्लूड फ्राइबर्ग इन देयर बेसिक मेन आइटनरी, बट इट्स सो ब्यूटिफुल। एंड फाइनली मैं गई थी म्यूनिक। म्यूनिक इज वेयर द ब्यूटिफुल कासल्स इन जर्मनी आर। अगर आप ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट हैं तो गो टू स्टुटगार्ट, द बर्थ प्लेस ऑफ ऑटोमोबाइल, राइट। अगर आपको नेचर, हाइक्स ये सब बहुत पसंद है तो आप डेफिनेटली फ्राइबर्ग और हाइडलबर्ग, फ्राइबर्ग के बहुत पास है हाइडलबर्ग, एंड नेक्स्ट टाइम आई गो देयर आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गो टू हाइडलबर्ग। इट्स सच अ हिडन जेम इन जर्मनी व्हेन इट कम्स टू नेचर, इट्स एन अमेजिंग प्लेस। सो या इट टोटली डिपेंड्स कि आपको क्या देखना है जर्मनी में, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सी वेयर ऑल यू कैन गो। मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेज आर वेरी वेल कनेक्टेड। मैंने बर्लिन से कोलोन ट्रेन ली थी क्योंकि वो मैंने थोड़ा एडवांस में बुक कर रहा था तो मुझे मिल गई थी। बट आफ्टर दैट आई ऑलवेज टुक अ बस एंड आई बुक्ड इट वाया फ्लिक्स बस। तो फ्लिक्स बस और रिजियो जेट दो ऐप्स हैं जो आप विच यू कैन रिलाई अपॉन टू फाइंड बसेस, टू फाइंड ट्रेन्स विद इन जर्मनी, विद इन डिफरेंट सिटीज, एंड टू प्रिपेयर आइटनरीज विद इन दीज सिटीज आई यूज़ द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। आप जितना पर्सनलाइज और कस्टमाइज अपने ट्रैवल स्टाइल के हिसाब से प्रॉम्प्ट डालोगे, उतनी ही अच्छी आइटनरी आपको तैयार होकर बहुत ईजिली मिल जाएगी। इनफैक्ट ये जर्मनी ट्रिप मेरे लिए बहुत इमोशनल थी बिकॉज लाइक अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी माइट नो दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बैक इन 2019 आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब एंड स्टार्टेड ट्रैवल फुल टाइम। और ये मैं तभी कर पाई व्हेन आई गेव ऑल द प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ सोशल मीडिया। मुझे लगता है उस टाइम पे जो सोशल मीडिया था आज की तारीख में AI बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इट्स ट्रूली द फ्यूचर। And speaking of AI and exposure, I recently got to know about Newton School of Technology offering advanced curriculum designed by Mang professionals, and they offer a BTech degree in CS and AI. In fact, one of their students designed an AI travel planner from scratch. That's such a proud thing. Who knows, future mein hum us planner ko use kar rahe honge to design our itineraries like we're doing right now. And talking about travel, they even provide international tech travel opportunities to students even in their first year, where they get real exposure and get to interact with top founders and VCs. Their first year students are also landing amazing internships. One even cracked Google Summer of Code with an internship of 1.25 lakhs per month. And they're opening a campus in Pune after Delhi as well. To get in, you have to take the NSAT entrance exam, the registration of which can close anytime. So I've put the link in the description. And now back to the Germany video. Now, how to travel around within these cities in Germany? So, एक app है called Deutsche Bahn app, DB app. I'm going to leave the logo of the app somewhere here. So, you check that out. That app is a lifesaver. उसमें आप बस source और destination डाल दो
एंड इट विल टेल यू एग्जैक्टली द स्टेशन, इट विल टेल यू द एग्जैक्टली द प्लेटफॉर्म नंबर, कितनी देर में ट्रेन आ रही है या बस आ रही है, एवरी थिंग टू द टी इट विल टेल यू. सो डॉयचे बैन डीबी ऐप इज समथिंग यू शुड एब्सोल्युटली हैव ऑन यू व्हेन यू आर गोइंग टू जर्मनी. कमिंग टू माई फेवरेट पार्ट, वॉट ऑल टू ईट इन जर्मनी. Now Germany is very heavy on vegetarian and vegan culture, which was amazing for me because I'm a vegetarian and मुझे बिल्कुल कोई problem नहीं हुई. In fact, among all the countries I traveled to, Germany was my favorite to try out new food. Best part ये है कि वहाँ पे German delicacies का भी veg version होता है. So I'm gonna recommend certain dishes that you should try, no irrespective of whether you're a non-veg or a veg, because इसके non-veg versions तो traditional होते हैं, इसके veg versions भी मिल जाएंगे. Number one is currywurst. Currywurst is the most popular street food item of Germany. Next dish is schnitzel. It's basically a fried dish. So, in fact, मुझे याद है जब म्यूनिख में मैंने वो एक बोधी गार्डन करके रेस्टोरेंट था जहाँ मैंने ट्राई किया था. And I was with Jessica, who is a non-vegetarian. And she tried it, the veg version, and said, if you had not told me it's veg, I would not have, you know, guessed it. So, iske veg versions bhi itne local feels dete hain. Then, flammkuchen aur flammkuchen karke ek dish hoti hai. And that was personally my favorite, almost my favorite, I think, of all the dishes I tried. Ye maine Freiburg mein try kiya tha. And it's, to explain in the easiest way, it's actually pizza version of Germany. जिसमें द फ्लैट ब्रेड इज एब्सोल्युटली थिन एंड टॉपिंग्स आपके पसंद के हो सकते हैं. लॉट ऑफ सार क्रीम इज देयर, चीज़ की जगह सार क्रीम ज़्यादा यूज होती है. एंड वो सो सो टेस्टी, आई हैड इट ट्वाइस एट द सेम प्लेस. अनदर डिश दैट आई लव वाज स्पैटसल. अगेन इजी टर्म्स में समझाऊँ तो पास्ता वर्जन ऑफ, यू नो, जर्मन वर्जन ऑफ पास्ता बोल सकते हैं. बट आई रिमेंबर अगेन आई हैड इट इन म्यूनिक एंड इट वॉज, इट फेल्ट ऑलमोस्ट लाइक मैक एंड चीज जिसके ऊपर कैरमलाइज अनियंस और कुछ फ्रेश सैलड के साथ खाया था. आई नो कॉम्बिनेशन सुनने में हो सकता है इंटरेस्टिंग ना लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी, इट वॉज सो गुड दैट दिस इज वन डिश दैट आई वॉन्ट टू रिक्रिएट फ्रॉम माई जर्मनी ट्रिप. वाई आई एम कवरिंग फूड इन सो मच डेप्थ इज दैट, यू नो, ऑल ऑफ दीज डिशेज आर लोकल डेलिकेसीज, बट ये वेज वर्जन में भी अवेलेबल है. तो कहीं भी जा रहे हो उसकी लोकल डेलिकेसी ट्राई करनी चाहिए, एंड दे वर रियली रियली वेरी गुड. उसके अलावा आई यूज़ टू ईट अ लॉट ऑफ डोनर कबाब्स, इवन दो दे आर लाइक टर्किश डिशेज, बट क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ एंड इफ आई वॉन्टेड टू हैव सम काइंड ऑफ सैंडविच, तो जर्मनी में डोनर कबाब्स वर सो गुड, लाइक फलाफल एंड वेजीज इन ब्रेड, जस्ट सो गुड. ईट योर हार्ट आउट व्हाइल यू आर इन जर्मनी. एंड हियर्स अ टिप, मेक श्योर दैट यू कैरी योर ओन वाटर बॉटल. इट्स नॉट जस्ट ग्रेट फॉर द एनवायरमेंट बट सो गुड फॉर योर पॉकेट एज वेल. इन फैक्ट आप जहाँ भी हो जर्मनी में, गूगल मैप पर आप टाइप करना ट्रिंक वासर. सो ट्रिंक वाशर से क्या होगा, इट विल डायरेक्ट यू टूवर्ड्स द नियरेस्ट वाटर फाउंटेन एंड वहाँ पे टैप वाटर एंड ऑल दीज वाटर फाउंटेन दैट ड्रिंकेबल वाटर. तो आप अपनी वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो और आराम से जो भी नियरेस्ट ड्रिंकिंग फाउंटेन आपको मिल जाता है, यू कैन रीफिल योर वाटर बॉटल देयर. कमिंग टू अकोमोडेशन, मैंने जो भी स्टेज लिए थे मोस्टली वो एकदम सिटी सेंटर में नहीं थे बिकॉज वो वाले एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, बट मे बी लाइक वन और टू ट्रेन स्टेशन अवे फ्रॉम सिटी सेंटर थे. एंड जर्मनी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अमेजिंग है, इतना वेल कनेक्टेड है, हर जगह से मुझे एक वॉकेबल डिस्टेंस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस या स्टेशन मिल रहा था. हाँ, एक बात है कि बर्लिन में जैसे जैसे मुझे समझ आने लगा कि अच्छा एस स्टैंड्स फॉर दिस, यू स्टैंड्स फॉर दिस, आई डोंट रिमेंबर नाउ, बट ऐसा था कि अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए एक साइन होता है, रेगुलर मेट्रो के लिए एक साइन होता है, जैसे जैसे मुझे वो समझ आने लगा और मैंने कोलोन में अप्लाई किया और आई रियलाइज दैट कोलोन हैज़ अ डिफरेंट सिस्टम. बट दैट बींग सेड, इट्स नॉट ओवरवेलमिंग, बस आपको एक दिन लगेगा समझने में कि उसका सिस्टम क्या है एंड देन यू विल बी वेरी वेल वर्स्ड विद इट. अगर आप अकेले जा रहे हो तो डेफिनेटली कंसिडर स्टेइंग इन हॉस्टल्स, दे आर अमेजिंग. आई एम गोना लीव सम रिकमेंडेशंस इन द डिस्क्रिप्शन, जो मैं एटलीस्ट द वंस दैट आई कैन वाउच फॉर. एक चीज जो मैं ध्यान रखती थी हॉस्टल बुक करते टाइम वो था कि जितना हो सके ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड हो हॉस्टल में, सो दैट एंड्स अप सेविंग सम कॉस्ट. एंड अगर हो सके तो किचन एक्सेस मिल जाए, बिकॉज दैट्स ऑल्सो अनदर बजट टिप कि अगर आप लंबे ड्यूरेशन के लिए यूरोप जा रहे हो तो आप कई बार ग्रोसरी स्टोर से कुछ चीज़ें ले सकते हो, कुछ लोकल इंग्रेडिएंट्स भी ट्राई कर सकते हो, एंड यू कैन, यू नो, लाइक कुक योर ओन मील्स एंड ऑल्सो सेव अप ऑन कॉस्ट. बट अगर आप एज अ कपल जा रहे हो, एज अ फैमिली, एज अ ग्रुप जा रहे हो, तो आप एयरबीएनबीज भी देख सकते हो. एयरबीएनबी बहुत अच्छे हैं, वो भी अगेन यूरोप में बहुत सुंदर होते हैं, एंड थोड़ा आप एडवांस में बुक करोगे तो दे विल प्रूव टू बी वेरी वेरी इकोनॉमिकल फॉर अ ग्रुप. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिकीएस्ट पार्ट, विच वॉज एटलीस्ट द ट्रिकीएस्ट पार्ट फॉर मी, विच इज सिम. तो वैसे ऑल ओवर जर्मनी आई थिंक बोलते हैं दैट एल्डीटॉक, O2, इवन वोडाफोन, ऑल ऑफ दीज सिम्स वर्क वेरी वेल. एक ग्रोसरी स्टोर से जाके मैंने एल्डीटॉक का सिम ले लिया था, क्योंकि वोडाफोन का सिर्फ 3 months का मिल रहा था मिनिमम, एंड O2 का स्टोर उस दिन बंद था. टेलीकॉम भी एक सर्विस है, O2 और टेलीकॉम आई थिंक बंद थे, तो मुझे द ओनली ऑप्शन आई हैड वॉज ग्रोसरी स्टोर से जाके मैंने एक एल्डीटॉक का सिम ले लिया. अब कैच ये था कि मुझे वो खुद से ही
एक्टिवेट करना था, तो उसमें डिटेल्स लिखे थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से लिख के समझा दिया दैट ऐसे ऐसे करना है आपको एक्टिवेट. जब मैं हॉस्टल वापस आई और जब मैं एक्टिवेट करने बैठी, इट टुक मी, आई एम नॉट इवन किडिंग, इट टुक मी 3 to 4 hours. यहाँ पे ये चीज़ बेटर हो सकती थी दैट अगर आप सर्विस प्रोवाइडर से डायरेक्टली लेते हो तो एटलीस्ट वो आपको एक्टिवेट करके दे देंगे एंड वो ईजी हो जाएगा. एंड फाइनली कमिंग टू करेंसी, यूरो इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर इन जर्मनी एंड यू हैव टू नो दैट जर्मनी इज प्रिटी कैश हैवी. सो आपके कार्ड्स ऑब्वियसली यू शुड कैरी अ फॉरेक्स कार्ड विद यू, बट मेक श्योर यू हैव इनफ कैश ऑन यू. बहुत जगह है जहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करते, स्पेशली द स्मॉलर टाउन्स, तो मेक श्योर दैट यू हैव इनफ कैश ऑन यू. इसके साथ साथ अगर मैं बजट की बात करूँ तो आई थिंक इट विल टोटली डिपेंड ऑन योर स्टाइल, टोटली डिपेंड ऑन द प्लेसेज यू आर कवरिंग इन जर्मनी. एंड अगर आप अक्टूबर फेस्ट के टाइम जा रहे हो म्यूनिक, तो प्राइसेस आप इजीली 3x आपको मिलेंगे हर चीज़ के. सो अनलेस यू आर एक्चुअली गोइंग टू अटेंड द अक्टूबर फेस्ट, वो टाइम आप अवॉइड कर सकते हो. ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग फॉर अक्टूबर फेस्ट, इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट. इट्स आई हैव हर्ड इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग बियर फेस्टिवल, सो दैट्स देयर. बाकी स्ट्रीट फूड अगर मैं बोलूँ तो मुझे याद है बर्लिन में मैंने एक बार एक अच्छे रेस्टोरेंट में पास्ता खाया था. दे हैड अ रियली गुड ऑफर गोइंग ऑन फॉर 500 rupees. आई गॉट अ नाइस बिग बोल ऑफ पास्ता, आई हैड दैट मील ट्वाइस, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. स्ट्रीट फूड तो उससे भी सस्ता मिल जाता है, बट रेस्टोरेंट में आई ऑल्सो स्पेंट लाइक 1000 to 3000 के बीच में फॉर अ सिंगल मील. सो अगेन डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक बार आपका फ्लाइट का प्राइस आपको पता चल जाएगा, booking.com पे जाके स्टे का आइडिया ले सकते हो. एंड पर डे कॉस्ट मुझे लगता है कम से कम 6000 तो आएगा ही. अपर रेंज कैन बी एनी थिंग, बट 10 to 15000 अपर रेंज आप लेके चल सकते हो जर्मनी में. अगेन आई वुड से डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, किस टाइम पे जा रहे हो. समर मंथ्स एक्सपेंसिव होंगे, अक्टूबर फेस्ट एक्सपेंसिव होगा, सो जस्ट बी वेयर ऑफ ऑल दैट. एंड नाउ फाइनली कमिंग टू सम मिसलेनियस बट रियली रियली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड टिप्स फॉर जर्मनी. नंबर वन, Sundays in Germany are called Ruhetag, which means quiet day. And they are so serious about spending their Sundays like nicely and quietly ki agar aap wahan rehte ho, and a friend who lived there told me ki ek baar main vacuum cleaner use kar rahi thi and a neighbor actually officially complained. And they have all the rights because Sunday is a quiet day. Aap vacuum cleaner bhi use nahi kar sakte, ho sakta hai log complain kar de. So Sundays ko people flock in like not supermarkets, in parks and all these public places jahan pe log अच्छे से पिकनिक मनाते हैं. बर्लिन में मैंने बहुत अच्छे से कवर किया एक पार्क, मॉर पार्क, जहाँ मैं गई थी संडे को, एंड इट वाज सच अ डिलाइट टू गो टू. फ्ली मार्केट्स बहुत होते हैं संडे को, बट ये चीज़ याद रखना कि संडे को ग्रोसरी स्टोर, सुपर मार्केट्स, समटाइम्स इवन रेस्टोरेंट्स हाफ डे पे, ये सब क्लोज होता है, स्पेशली सुपर मार्केट्स एंड ग्रोसरीज. तो अगर आपकी कोई भी स्पेसिफिक नीड्स हैं जो आपको कुछ भी लेना है मार्केट से, तो आप सैटरडे को लेकर रखो. सो दैट इज नंबर वन. Second, something that I really, really loved in Germany was recycling of beer cans and recycling of plastic in general. तो आप देखोगे कि कई बार जर्मनी में डस्टबिन्स के ऊपर बियर कैंस और बियर वाटर बॉटल्स रखी होती है. तो उससे क्या होगा कि एनीबडी हु नीड्स कैश, दे कैन टेक दैट बियर बॉटल एंड यू नो गेट सम डिपॉजिट बाय रिटर्निंग दैट बियर बॉटल. तो उससे यू कैन एक्चुअली अर्न सम कैश फ्रॉम दोज बॉटल्स. In fact, grocery stores may be, there are certain signs which say that if you give a plastic water bottle, if you return a plastic water bottle here, you can get some deposit back. So I think that's a great way to not just, you know, get that deposit back, but also for recycling in general. And finally, you know, Germans believe that touching certain body parts in certain areas is supposed to come with good luck. Jaise for example Cologne mein ek statue tha, wo body parts na polished hote hai, to nose and hands were polished, so if you touch the hand that will give you good luck for money, if you touch the nose that is good luck for love. तो एंड दिस इज़ वॉट आई डिड बाय द वे. बट ऐसे ही बहुत सारी और जगहों पर भी देर वॉज गुड लक विद सर्टन एरियाज इन योर लाइफ बाई टचिंग सर्टन बॉडी पार्ट्स. एंड आई थिंक दैट वॉज वेरी जस्ट इंटरेस्टिंग एंड स्पेसिफिक टू जर्मन्स कॉन्सेप्ट लाइक दैट. एंड लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो कुछ जगहों पर स्पेशली स्मॉलर टाउन्स में आपको थोड़ा लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, तो गूगल ट्रांसलेट इज़ गोना बी ऑफ बिग यूज़ ओवर देयर. बट आई वुड सजेस्ट थोड़े कॉमन वर्ड्स, जर्मन वर्ड्स आप सीख के जाओ. गुटन टाग, गुटन विच इज़ गुड डे, गुटन मॉर्गन, गुटन नाक्ट, बेसिक टर्म्स एंड यू नो लाइक थैंक यू, डांकर, डांकर शॉन, लाइक वेरी बेसिक वर्ड्स आप सीख सकते हो. अगर आप ये सीख जाओगे तो इट विल जस्ट हेल्प यू कनेक्ट विद देम इन अ मच, यू नो लाइक इट मेक्स देम ऑल्सो फील दैट ओके यू ट्राइंग टू लर्न द बेसिक वर्ड्स ऑफ देयर लैंग्वेज एंड इट मेक्स देम फील गुड इज वेल. एंड
you feel welcome. So yeah, those were some tips and that was a very exhaustive travel guide for Germany. I hope ki aapke liye bahut helpful rahi ho agar aap India se travel kar rahe ho Germany. And if you did find it valuable, please like this video, comment down below, subscribe to my channel aur wo bell icon press kar dena so that you get notified anytime such videos come out. And yeah, that's it from my side. I'll see you from the next video. Bye.